नमस्कार, वेलकम टू डिफेंस फंडामेंटल्स। तो एक अपडेट सामने निकल के आ रहा है इंडियन आर्मी के लिए क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन से रिलेटेड। दरअसल इंडियन आर्मी ने रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करी है। लगभग 4,25,213 क्लोज क्वार्टर बैटल्स कार्बाइन के लिए, जो कि अब मेक इन इंडिया रूट से प्रोक्योर की जाएंगी। पहले प्लान था ये 4,00,000 कार्बाइन्स UAE की कंपनी करैकल से प्रोक्योर की जानी थी, लेकिन डील में डिलेज हुए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ज़्यादा फोकस अब मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स की ओर है। और इसी चीज़ को देखते हुए अब ये कार्बाइन्स इंडियन कंपनीज के थ्रू ही प्रोक्योर की जाएंगी। लेकिन इसी से रिलेटेड न्यूज़ पहले ही आ गई थी कि इंडियन आर्मी की कार्बाइन्स की रिक्वायरमेंट को इंडिजिनियस रूट से ही पूरा किया जाएगा और फाइनली RFI रिलीज कर देगी है। और ये स्टेप इंडियन स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए अच्छी न्यूज़ है। अब इससे इंडियन स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का मोरल बूस्ट होगा और एक इकोसिस्टम रेडी होगा, जिससे इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट्स को तो पूरा किया ही जाएगा और एक्सपोर्ट मार्केट में भी इंडियन स्मॉल आर्म मैन्युफैक्चरिंग का पोटेंशियल बढ़ेगा। इंडियन आर्मी अब जल्दी ही अपनी कार्बाइन्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए टेंडर फ्लोट करेगी, जिससे कि इंडियन आर्मी के फायर पावर में अच्छा बूस्ट आएगा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन्स, ये कार्बाइन्स क्लोज कॉम्बैट सिनेरियोज में इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशंस में ऐसी कार्बाइन्स का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। अब अगर इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इंडियन आर्मी के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ये कार्बाइन्स 5.56x45mm के राउंड्स फायर करने में सक्षम होनी चाहिए और फायरिंग इफेक्टिव रेंज 200 मीटर्स तक होनी चाहिए। सिंगल शॉट और ऑटोमेटिक शॉट कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। पिकेटिनी रेल होनी चाहिए। वेट 3 kg तक होना चाहिए। लेंथ की अगर बात करें तो एक्सटेंडेड कंडीशन में 800mm और फोल्डेड कंडीशन में 650mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही ये कार्बाइन्स -20 to +45°C टेम्परेचर में ऑपरेट करने में सक्षम होनी चाहिए, वो भी बिना किसी इशू के साथ। और सर्विस लाइफ की अगर बात करें तो 15,000 राउंड या 15 years तक की सर्विस लाइफ होनी चाहिए। CQB कार्बाइन्स और असॉल्ट राइफल्स में कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए हम आपको बता देते हैं कि CQB कार्बाइन्स और असॉल्ट राइफल्स एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। CQB कार्बाइन्स का साइज़ असॉल्ट राइफल्स के कंपैरिजन में छोटा होता है और बैरल लेंथ छोटी होने की वजह से कार्बाइन्स की इफेक्टिव रेंज भी असॉल्ट राइफल्स के कंपैरिजन में कम होती है। क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन्स को ज़्यादातर अर्बन एरियाज में बेहतर यूज़ किया जाता है, जहाँ फायरिंग रेंज के साथ मनूवरिंग भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब बात करें इंडियन डिफेंस कंपनीज की, तो हमारे पर्सनल ओपिनियन में SSS डिफेंस इस टेंडर के लिए एक प्रमुख दावेदार हो सकता है। इसी के साथ इस टेंडर में PLR सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड की कार्बाइन्स भी ऑफर की जा सकती हैं, जो कि PLR सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड इजरायली कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में इंडिया में कार्बाइन्स और अन्य स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चर करता है, जिसमें कार्बाइन्स की बात करें तो X95 सीरीज की कार्बाइन्स को इस टेंडर में ऑफर किया जा सकता है। और अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की बात करें तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा भी अमोक कार्बाइन्स बनाई गई थी, जो कि आर्मी की रिक्वायरमेंट्स को भी मीट कर सकती हैं। इसके साथ ही इंडियन आर्मी 47,000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स को भी खरीदने की योजना बना रही है। पिछले दिनों न्यूज आई थी कि डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा 28,000 करोड़ की इंडिजिनियस परचेजेस के लिए अप्रूवल दिया गया था और अब इसी के तहत ये खरीद इंडियन कंपनीज द्वारा करी जाएगी। अब देखना यह है कि इस टेंडर का विनर कौन होता है, लेकिन विनर कोई भी हो, जीतेगा इंडिया ही। ऐसे ही अन्य अपडेट्स के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।